हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम एनटीए अभ्यास ऐप का पेपर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स सेक्शन उसका। ठीक है, इस वीडियो में हम हर क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल भी डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज़ गिवेन, है ना। अपने पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, अपने को उस सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी बताई है, अपने को पी की वैल्यू बतानी है, जो ये अननोन पी है ना, द वैल्यू ऑफ पी। ओके, तो जो वेरिएबल रैंडम वेरिएबल एक्स है, ये कैसा है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, है ना। अपन ये लेकर चलेंगे। तो अगर ऐसा इवेंट है तो जो प्रोबेबिलिटी जो भी आ रही है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए। मतलब इन सबको ऐड करने पे अपने को टोटल कितना मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। तो ऐड करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। p प्लस 2p प्लस 3p प्लस 12p, 12p तक का सम कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? ये 72, है ना। 3p, 6p, 10p, और ये 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15। ये 15 मिल के 30, 40, ये मिल के 60, 72p। 72p इक्वल टू 1 मिल जाएगा अपने को। ओके, तो p कितना आ जाएगा? 1/72। ऑप्शन 1 करेक्ट है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द लेंथ ऑफ अ टू एडजेसेंट साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ना। कुछ ऐसा दिया हुआ है कि साइड लेंथ 2 और 5 है साइकिल क्वाड्रिलेटर की, उसके बीच का एंगल 60 है, एरिया क्या है? 4√3 है। तो देख लेते हैं एक बार, है ना, एक रफ डायग्राम बना के। अपने पास एक सर्कल, ओके, अपने पास एक क्या है, सर्कल दिया हुआ है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा उसमें, जिसके साइड लेंथ 2 5 है, और उसके बीच का एंगल क्या है? उसके बीच का एंगल अपने को 60 डिग्री दिया हुआ है ना। सपोज एक साइड ऐसी हो गई, है ना, एक साइड सपोज मैं ले ले रहा हूँ कुछ ऐसा, ये 60 डिग्री दिया हुआ अपने को, क्योंकि तो बाकी दो साइड का अपने को नहीं पता। दो साइड में ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। तो ये 60, तो ये कितना हो जाएगा सामने वाला? 120, है ना। सपोज ये लेंथ 5 है और ये लेंथ 2 है, नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। ओके, अच्छा इस डायगोनल को मैं मिला ले रहा हूँ बी डी को, बी डायगोनल ना 5 2। मान लेते हैं कि ये साइड एक्स है और ये साइड वाई। अपने को क्या बताना है? पेरीमीटर बताना है। मतलब एक्स वाई की वैल्यू आ जाए तो पेरीमीटर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। चलिए, एरिया 4√3 दिया हुआ है। एरिया कितना दिया अपने को? 4√3। एरिया लिखते हैं, एरिया क्या बनेगा? इस ट्रायंगल के एरिया लिख दूं मैं ए बी डी का, और किसका एरिया लिख दूं मैं? बी डी सी का। अपने को टोटल एरिया मिल जाएगा 4√3। क्या बन जाएगा एरिया? हाफ 5 × 2 × sin 60, है ना। SOT का फॉर्मूला सिंपल सा, एरिया का प्लस हाफ इस ट्रायंगल के लिए एक्स वाई इंटू साइन 120, तो एक्स वाई साइन 120 मिलेगा। कितना हो जाएगा ये? 4√3, है ना। सॉल्व कर लो कितना आ जा रहा है। ये साइन 60 क्या हो जाएगा? √3/2, और ये √3/2 sin 120। तो √3 √3 तो सारे कैंसिल आउट हो गए। ओके, और 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ मैं बेसिकली। एक बार और एक स्टेप और देख लेते हैं। साइन 10√3/2 प्लस हाफ एक्स वाई √3/2 इक्वल टू 4√3। √3 √3 √3 कैंसिल आउट, 4 से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ मैं, तो क्या मिल जाएगा अपने पास? 10/4 है तो 10 आ जाएगा, प्लस एक्स वाई इक्वल टू 16। क्या मिल जाएगा अपने को? एक्स वाई इक्वल टू 6। एक्स और वाई में रिलेशन आ गया अपने को, एक्स इंटू वाई आ गया ना। अच्छा, अगर ये जेड मान लिया जाए साइड, तो कोसाइन फॉर्मूला अगर लगा दूं मैं,
ए बी डी में एंगल ए के लिए कोसाइन फॉर्मूला लगाया जाए तो क्या आ जाएगा, कॉस 60 बोले तो 1/2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 5² प्लस 2² माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2 × 5 × 2, कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ से जेड स्क्वायर की वैल्यू आपको दिख जाएगी कितनी है, जेड स्क्वायर को लुटे नहीं तरह गया, ये 29 19 दिख रही है जेड स्क्वायर की वैल्यू, तो जेड स्क्वायर 19 आ गया, है ना। वापस से कोसाइन फॉर्मूला में यूज़ कर ले रहा हूँ ट्राइंगल बी डी सी में एंगल सी के लिए, तो एंगल सी क्या आ जाएगा, कॉस 120। कॉस 120 कितना होता है, -1/2 इक्वल टू x² प्लस y² माइनस सामने वाला एंगल क्या है जेड, सामने वाला साइड क्या है जेड, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू 19 अपने को पता है पहले से ही, डिवाइड बाई 2 × x × y, xy की वैल्यू भी अपने को 6 पता है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 6 इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा अपने पास, -6 इक्वल टू x² प्लस y² माइनस 19। यहाँ से क्या मिला अपने को, x² प्लस y² इक्वल टू 13, है ना। अब दो रिलेशन आ गए एक्स और वाई में, एक्स वाई 6 है और x² y² क्या है 13 है ना। ये रिलेशन देखते से ही ये चीज़ दिख रही है कि एक वैल्यू 2 होनी चाहिए और एक वैल्यू 3 होनी चाहिए, 2 × 3 6, 2² प्लस 3² 13, है ना। तो एक साइड 2 आ जाएगी, सपोज एक्स 2 ले लिया मैंने और एक साइड 3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 ले लेता हूँ इसको, 3 लेता हूँ, पेरीमीटर से मतलब अपने को सम कर लो, 5 2 2 3 सम कर लेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस एल एन एक्स देन एफ एक्स इंटू एफ वाई माइनस हाफ, जो भी ये दिया हुआ है वैल्यू पुट करते हैं ना डायरेक्ट, अपन पुट करते हैं वैल्यू, एफ एक्स क्या बन जाएगा, कॉस एल एन एक्स, एफ वाई क्या बन जाएगा, कॉस एल एन वाई माइनस हाफ एफ ऑफ एक्स बाय वाई, मतलब कॉस ऑफ एल एन एक्स बाय वाई, और एल एन एक्स बाय वाई क्या बन जाएगा, एल एन एक्स माइनस एल एन वाई, तो कुछ ऐसा लिखा है क्या, कॉस एल एन एक्स माइनस एल एन वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई मतलब यहाँ एक्स वाई आएगा और यहाँ एक्स वाई आएगा, तो एल एन एक्स प्लस एल एन वाई बन जाएगा वो, तो कॉस एल एन एक्स प्लस एल एन वाई ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, कॉस ए माइनस बी, ये एंगल ए जैसा है और ये एंगल बी जैसा है, तो कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी क्या बन जाता है, 2 cos A cos B, तो अगला क्या आ जाएगा, कॉस एल एन एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एल एन वाई इक्वल टू, सॉरी -1/2 मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा, 2 cos ln x cos ln y, 2 से 2 कैंसिल होते से ही ये टर्म भी कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या दिख जाएगा, 0। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इजी बोल सकता हूँ मैं इसको वेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोफिशियंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है ना, वापस से बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, डायरेक्ट अपन जनरल टर्म लिखते हैं, जनरल टर्म TR+1 क्या आ जाएगा, 10 CR √3/x² इसके पावर में क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, और ये जो x/3 के पावर में 1/2 लिखा हुआ है, x/3 के पावर में क्या लिखा हुआ है, 1/2, उसके पावर में कितना आ जाएगा, 10 -R, है ना। तो अरेंज कर लेते हैं, 10 CR √3 के पावर में R डिवाइड बाई 3 के पावर में हाफ 10 -R, और x के पास क्या क्या जाएगा, 1/2 10 -R, और ये 2R जो है वो ऊपर जाके -2R बन जाएगा। इंडिपेंडेंट की बात की है मतलब जो x के पावर में वो 0 होना चाहिए, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से इसके पावर में 0 सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा ये, 5 -R/2 -2R इक्वल टू 0, है ना। सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 10 -4 -1 5R और डिवाइड बाई 2, तो 0 में चला जाएगा, तो यहाँ से R इक्वल टू 2 आ गया,
आर इक्वल टू टू आ गया तो कोफिशियंट निकालना है, तो बस यहाँ रख देते हैं, है ना। ये जो भी टर्म बन रहा है इसमें आर इक्वल टू टू बन जाएगा तो कोफिशियंट आ जाएगा, तो कोफिशियंट क्या आ जाएगा, टेन सी टू। टेन सी टू बोले तो 10 × 9/2 × r की पावर, यहाँ आर टू रखूँगा तो 3, और डिनोमिनेटर में आर टू रखूँगा तो 8/2 4, 3 की पावर 4 81। सॉल्व कर लो, 9 × 3 27, 3 10/6 मतलब 5/3, ए ऑप्शन, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया बाउंडेड बाई वाई इक्वल टू एक्स ई टू पावर मॉड एक्स एंड द लाइन्स मॉड एक्स इक्वल टू 1, है ना। आसान सा क्वेश्चन बहुत है ये भी, एक बार देखते हैं। वाई इक्वल टू एक्स ई की पावर मॉड एक्स, वाई इक्वल टू एक्स ई की पावर मॉड एक्स। अच्छा, एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रखा जाए तो ये मेरे को ऑड फंक्शन दिख रहा है, क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये एक क्या है, ये ऑड फंक्शन। और किसके बीच में ये निकालना है, लाइन्स मॉड एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 0। अच्छा, ये ऑड फंक्शन तो दिख गया अपने को, और बोल रहा है कि मॉड एक्स इक्वल टू 1, तो मॉड एक्स इक्वल टू 1 की अगर बात की जाए तो एक्स इक्वल टू -1 और एक्स इक्वल टू 1। सपोज ये -1 है और ये 1 है, इसके बीच का और ये ऑड फंक्शन है, तो कुछ ऐसा जा रहा होगा ना, ओरिजिन से ऐसा करके कुछ ऐसा एरिया ग्राफ बन जा रहा होगा। तो अपने को ये टोटल एरिया निकालना है y इक्वल टू 0 के साथ, जो बना y इक्वल टू 0 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, क्या अपने को बेसिकली एरिया पूछ रहा है, -1 से 1 एक्स ए की पावर मॉड एक्स डी एक्स का, है ना। अपने को पता ही है ऑड फंक्शन ट्वाइस हो जाएगा, 0 to 1 ले लेता हूँ मैं, एक्स ए की पावर एक्स डी एक्स। मॉड क्यों हट जाएगा, क्योंकि अपन 0 से 1 पॉजिटिव ले रहे हैं, तो मॉड एक्स का केवल एक्स आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, एरिया इक्वल टू 2, बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स ई रेस टू एक्स, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ई रेस टू एक्स, है ना। और लिमिट आ जाएगी 0 to 1, तो एरिया कितना आ जाएगा, ट्वाइस ई रेस टू एक्स दिया जाएगा, तो ई रेस टू एक्स तो कॉमन दिख गया अपने को, एक्स -1 0 to 1, एरिया क्या बन जाएगा, 2 1 के लिए क्या बन जाएगा, 0, माइनस 0 के लिए क्या बन जाएगा, 0 1 -1 आ जाएगा यहाँ पर। तो एरिया कितना आ जाएगा, -1 + 1 2, एरिया 2 आ जाएगा, ठीक है ना। मॉडरेट बोल सकते हैं इसको, मॉडरेट क्वेश्चन था ये। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स -1 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई -1। अच्छा, ये कर्व देखते से आपको दिख रहा है क्या, कि इन दोनों कर्व में खास बात क्या है, कि ये कर्व वाई की जगह पे अगर एक्स लिख दिया जाए और एक्स की जगह पे वाई लिख जाए तो मिल जाएगा अपने को, मतलब ये दोनों कर्व आपस में मिरर इमेज है वाई इक्वल टू एक्स के, अबाउट इनवर्स फंक्शन, याद है ना। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ क्या, कि एक कर्व क्या लिखा अपने को, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स -1, और अगला कर्व क्या लिखा हुआ है अपने को, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई -1, मतलब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1, और ये दोनों इमेज, ये दोनों क्या है, वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज है, कुछ ऐसा दिखेगा क्या। सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेता हूँ मैं, है ना, तो वाई इक्वल टू एक्स लाइन सपोज ये है, तो एक कर्व अगर ड्रॉ करूँ मैं, सपोज ये ड्रॉ कर रहा हूँ मैं ना, क्या आ जाएगा अपने पास, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1, एक्स स्क्वायर को +1 ऊपर शिफ्ट कर दो, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इसका इमेज क्या बनेगा, कुछ ऐसा इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1 का, और इसका मिरर इमेज बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स -1 का ग्राफ, ठीक है ना। तो ये, और मिनिमम डिस्टेंस पूछिए, मतलब ये डिस्टेंस पूछा है अपने को, कुछ ऐसा है, कोई डिस्टेंस होगा मिनिमम डिस्टेंस, सपोज इस कर्व पे पॉइंट पी है और इस कर्व पे पॉइंट क्यू है, तो अपने को पी क्यू बताना है। अच्छा, ये जो लाइन वाई इक्वल टू एक्स है, इसका स्लोप क्या होगा, एम, तो जो पॉइंट पी पे टेंजेंट बनाऊंगा या फिर पॉइंट क्यू पे टेंजेंट बनाऊंगा, उसका भी स्लोप कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि पैरेलल होगा तभी मिनिमम डिस्टेंस आएगा, ये पी क्यू परपेंडिकुलर होना चाहिए टेंजेंट के, ठीक है। तो मतलब बेसिकली पॉइंट पी
पे टेंजेंट की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू 1 कर देनी अपने को। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 2x। और इसको मैं क्या कर दूंगा 1 के, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। और x इक्वल टू 1/2 आ गया, तो x इक्वल टू 1/2 इसमें पुट कर देता हूँ, तो y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो y कितना आ जाएगा, 1/2 5/4। तो अपने पास पॉइंट P क्या मिल गया, 1/2 कॉमा 5/4। तो क्यों क्या हो जाएगा, मिरर इमेज तो है, तो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा बस, 5/4 कॉमा 1/2 आ जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस पी क्यू क्या आ जाएगा, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो, 1/2 -5/4 का होल स्क्वायर प्लस 1/5/4 -1/2 का होल स्क्वायर, बेसिकली दोनों सेम आएंगे, और √2 एक आके आ जाएगा, है ना। दोनों तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 1/2 -5/4, 3/4 √2। तो अपना ऑप्शन ए सही है, ठीक है। एक तरीका और कर लगा सकते हैं इसमें, कुछ ऐसा अगर किया जाए, अपने को पता चल गया कि मिरर इमेज है, तो मैं ऐसा करता हूँ पॉइंट पी को जनरल फॉर्म में लिखता हूँ। तो पॉइंट पी को जनरल फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे है, तो एक्स अगर टी है तो वाई क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, है ना। तो पॉइंट क्यू क्या बन जाएगा अपने पास, उसका उल्टा, टी स्क्वायर प्लस 1 कॉमा टी, है ना। तो पी पॉइंट मिल गया अपने को टी कॉमा टी स्क्वायर प्लस 1, और पॉइंट क्यू क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 कॉमा टी। तो पी क्यू निकालें अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से, कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा क्या, मॉड में टी स्क्वायर प्लस 1 -t √2, है ना। अपने को पी क्यू क्या चाहिए, मिनिमम, ये तो क्वाड्रेटिक लिखे हुए है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, -d/4 है, -d/4 है, कैलकुलेट कर लो तो 3/4 आ जाएगा वो √2, है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस यहाँ से भी क्या आ रही है, 3/4 √2, ऑप्शन ए ही सही है। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन, मॉडरेट टू टफ में बोल सकते हो ना, इसके बीच में रख सकते हो, है ना। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। इंटीग्रल -1/2 बॉक्स एक्स प्लस ln 1+x/1 - x। अच्छा, ये तो बहुत ही फेमस ही टर्म लिखा हुआ है, ln 1+x/1 - x। कैसा फंक्शन, ये ऑड फंक्शन, और इंटीग्रल -1 से -1/2 से हाफ में है, तो एरिया कितना आ जाएगा इसका, जीरो। इंटीग्रल कितना आ जाएगा, जीरो। तो बेसिकली अपने को कैलकुलेट क्या करना है, इंटीग्रल -1/2 से हाफ बॉक्स एक्स कैलकुलेट करना है ना। ये तो ग्राफिकली कर सकते हो बहुत आसानी से, -1/2 से हाफ के बीच में। अच्छा, अपने को -1 से 0 के बीच में -1 देता है, और 0 से लेकर 1 के बीच में 1 देता है ना। तो अपन अपने को लिए एरिया चाहिए -1/2 से, ये तो एरिया जीरो आ जाएगा, 0 से लेके हाफ तक का एरिया जीरो आ जाएगा, -1/2 से लेके 0 तक का एरिया जो ये आएगा। तो ये लेंथ अपने को 1 मिल गई, और ये लेंथ -1/2 है, तो एरिया तो -1/2 डायरेक्ट दिख रहा है अपने को, समझ में आया, -1/2। नहीं तो कर सकते हो तो इसको स्प्लिट कर करो, -1/2 से 0 के लिए क्या बनेगा, -1, तो -1 dx प्लस 0 से लेके हाफ तक ले क्या बनेगा, जीरो बनेगा dx, तो ये तो जीरो आ जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो -1/2 मिल जाएगा अपने को। ओके, इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक, अगले क्वेश्चन पे, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड मंडे, एज्यूम दैट नो लेटर्स इज रिपीटेड, है ना। 6 लेटर हैं इसमें, नो लेटर्स रिपीटेड, 4 लेटर्स आर यूज, 4 को एक साथ यूज करना है। तो सबसे पहला काम तो 6 में से 4 सेलेक्ट करना है ना, मीनिंग या विदाउट मीनिंग बनाना है, तो बस 4 फैक्टोरियल से अरेंज भी कर दो, टोटल वर्ड्स आ जाएंगे। कितना जाएगा ये, 6 × 5/2 × 4 × 3 × 2, कितना जाएगा ये, 360, समझ में आया ना, 360 आंसर हो जाएगा। ओके ना, इसको तो मैं वेरी इजी बोलूँगा। अगला क्वेश्चन, इफ़ f(x+y), बहुत ही फेमस क्वेश्चन ना, सबकी कॉपी सबकी नोटबुक में मिल जाता है ये, इक्वल टू xy, अरिथमेटिक मीन ऑफ f(x,y)
तो सबसे पहले तो इसको सिंगल वेरिएबल बना दो, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई में लिखा हुआ है ना, तो अपने पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है पहले से ही, इक्वल टू एक्स इंटू वाई है ना। तो अपने को अगर एक्स कॉमा वाई मिल जाए एफ ऑफ एक्स वाई तो काम बन जाएगा अपना। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, पी मान लेता हूँ, एक्स प्लस वाई को सपोज मैंने पी मान लिया और एक्स माइनस वाई को अगर क्यू मान लिया, तो एफ ऑफ पी कॉमा क्यू बनेगा, बाद में पी को एक्स और क्यू को वाई पुट कर दूंगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, तो ऐड कर देने पे एक्स की वैल्यू क्या आ जा रही है, एक्स क्या आ जाएगा पी प्लस क्यू बाई टू है ना। सिमिलरली सबट्रैक्ट कर दो तो वाई कितना आ जाएगा, पी माइनस क्यू बाई टू। तो एफ ऑफ पी कॉमा क्यू यहाँ से अब लिख सकता हूँ मैं कि एफ ऑफ पी कॉमा क्यू क्या बनेगा, एक्स इन टू वाई, एक्स क्या था पी प्लस क्यू बाई टू है ना, और वाई क्या था पी माइनस क्यू बाई टू। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई बाई टू और एक्स माइनस वाई बाई टू। ओके, तो एरिथमेटिक में एक्स वाई और वाई एक्स का चाहिए ना, तो वाई एक्स भी देख लेते हैं क्या बनता है, वाई एक्स क्या बन जाएगा, वाई प्लस एक्स बाई टू, मतलब वही लिखा हुआ है अभी भी, एक्स प्लस वाई बाई टू, और यहाँ पे वाई माइनस एक्स बन जाएगा बस है ना, जो कि माइनस टाइम्स एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू एक्स माइनस वाई बाई टू है ना, इसी का निगेटिव टाइम्स लिखा है। और एरिथमेटिक मीन चाहिए, एरिथमेटिक मीन क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यू को अपन ऐड करेंगे और डिवाइड बाई टू करेंगे, तो दोनों निगेटिव टाइम्स है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो तो जीरो आएगा आंसर फिर तो है ना। तो मॉडरेट क्वेश्चन ये, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखी है, राइट हैंड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखी है, अपने को एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन ये, किसका इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो क्या लिखा हुआ अपने पास, वन प्लस आयोटा एक्स, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूँ मैं, क्या आ जाएगा अपने पास, सपोज कि एक्स प्लस एक्स माइनस टू आयोटा डिवाइड बाई थ्री प्लस आयोटा प्लस वाई को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो टू वाई है ना, माइनस थ्री आयोटा प्लस आयोटा, तो माइनस आयोटा कॉमन ले लिया चलो, तो माइनस थ्री वाई माइनस वन आयोटा डिवाइड बाई थ्री माइनस आयोटा इक्वल टू आयोटा। सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ जाएगा, टेन, टेन आ जाएगा, तो टेन राइट साइड पे ले लो तो टेन आयोटा बन जाएगा इधर तो है ना, इधर क्या बन जाएगा थ्री माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा होगा एक्स प्लस एक्स माइनस टू आयोटा से, और थ्री प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा होगा टू वाई माइनस थ्री वाई माइनस वन आयोटा से। बस एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेफ्ट पे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर राइट पे, तो ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है इसका रियल पार्ट कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, और इमेजिनरी पार्ट कितना आना चाहिए, टेन आना चाहिए, क्योंकि इधर जीरो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, टेन। रियल पार्ट देख लेते हैं क्या आता है, रियल पार्ट क्या क्या बनेगा, थ्री एक्स और प्लस इधर से क्या बन जाएगा, एक्स माइनस टू आ जाएगा रियल, और इधर में रियल क्या बनेगा, प्लस सिक्स वाई और क्या बन जाएगा, प्लस थ्री वाई माइनस वन इक्वल टू, ये जीरो आना चाहिए, तो सॉल्व कर लो क्या बन जाएगा, ये फोर एक्स प्लस नाइन वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, मतलब इक्वल टू थ्री, एक इक्वेशन ये आ गई। इमेजिनरी पार्ट टेन होना चाहिए, तो इमेजिनरी क्या क्या बन रहा है देख लेते हैं, माइनस एक्स, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स बन जाएगा, और ये थ्री जब मल्टीप्लाई होगा इससे थ्री एक्स माइनस सिक्स प्लस थ्री एक्स माइनस सिक्स, ये इमेजिनरी पार्ट। अच्छा इधर इमेजिनरी पार्ट क्या बन रहा होगा, जब ये आयोटा टू वाई से मल्टीप्लाई होगा तो टू वाई है ना, और ये जब थ्री मल्टीप्लाई होगा इससे आयोटा वाले पार्ट से तो क्या बन जाएगा, माइनस नाइन वाई
और क्या बन जाएगा ये माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री इक्वल टू क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो क्या क्या आ रहा है जल्दी से बता दो तो? 2x माइनस 7y माइनस 6 माइनस 3 प्लस थ्री तो माइनस थ्री तो इक्वल टू आकर 13 बन जाएगा ये, तो इक्वेशन 2 बन गई है। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लो इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, तो कुछ ऐसा बन जाएगा क्या 4x+9y इक्वल टू 3। 2 से मल्टीप्लाई कर दे इक्वेशन 2 को तो 4x-14y इक्वल टू 26 और सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 23y इक्वल टू ये -23 आ जाएगा। तो y क्या दिख गया अपने को -1, तो y आ गया -1, y -1 आ गया तो x भी कर किसी में इसमें पुट करो या किसी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल दो। y -1 तो लेके ही ऑप्शन दिया है तो निकालने की जरूरत भी नहीं है। ओके तो लेंदी क्वेश्चन तो थोड़ा कैलकुलेट करना था, बाकी क्वेश्चन तो आसान ही था। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। टेंजेंट टू अ कर्व इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट पॉइंट पी, लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू पी पासिस थ्रू पॉइंट 1,0। डिफरेंशियल इक्वेशन उस कर्व का बताना है अपने को। सपोज कोई कर्व है ना, किसी पॉइंट पी पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया जो वाई एक्सिस को, सपोज ये वाई एक्सिस आ गई और ये एक्स एक्सिस हो गई है ना, तो इसको कैपिटल एक्स वाई ले लिया मैं, चलो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ठीक है। तो पॉइंट पी पे कट कर रहा है और पी से परपेंडिकुलर 1,0 से पास हो रहा है, पी से परपेंडिकुलर किससे पास हो रहा है, सॉरी परपेंडिकुलर यहाँ पे है किससे पास हो रहा है 1,0 से, तो इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है ना। कर्व पे कोई भी पॉइंट एक्स कॉमा वाई होगा, ये बात तो समझ में आ रही है, कर्व पे कोई भी पॉइंट क्या हो जाएगा एक्स कॉमा वाई। अब एक्स कॉमा वाई के लिए मैं एक लाइन लिख दे रहा हूँ, इसका स्लोप मैं एम मान ले रहा हूँ, चलो तो लाइन क्या बन जाएगी, लाइन या फिर जो भी टेंजेंट है ये टेंजेंट, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी वाई -y1 इक्वल टू स्लोप एक्स माइनस एक्स है ना, ये वाई एक्सिस कैपिटल वाई ले लेता हूँ, कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स के टर्म में मैंने लिख दिया है ना। अच्छा पॉइंट पी का कॉर्नर बता सकता हूँ क्या, पॉइंट पी के लिए एक्स 0 होगा, वाई कुछ आ रहा होगा तो एक्स 0 पुट कर दिया मैंने, ये पुट कर दिया मैंने 0, तो जो वाई की वैल्यू आ रही है क्या आ रही है -mx+y, मतलब वाई -mx, तो पॉइंट पी अपने को मिल गया 0, y -mx। अच्छा ये जो m लिखा है ये बेसिकली dy/dx है ना, जो स्लोप है dy/dx है, बाद में m को dy/dx रिप्लेस कर देंगे। अच्छा अगर इसका स्लोप m है तो ये जो लाइन दूसरी बन रही है परपेंडिकुलर, इसका स्लोप क्या हो जाएगा -1/m हो जाएगा ठीक है। तो इस लाइन का भी स्लोप लिख देता हूँ 1,0 से पास, इस लाइन की भी इक्वेशन लिख देता हूँ और 1,0 से पास करा दूंगा। तो लाइन सपोज ये एल है, तो एल की इक्वेशन क्या बन जाएगी वाई -y1, y1 तो ये पॉइंट बनेगा पॉइंट पी, तो -y+mx इक्वल टू स्लोप -1/m स्लोप है लाइन का, एक्स माइनस एक्स वन क्या बनेगा 0। ओके अच्छा किससे पास कर रहा है ये, किससे पास कर रहा है 1,0 से, 1,0 से पास कर रहा है मतलब एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0 में सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो ऐसा बोल रहा है ये पासिस थ्रू 1,0, इसका मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए, तो सेटिस्फाई करा देता हूँ मैं, तो -y+mx वाई की वैल्यू 0 पुट कर दी मैंने इक्वल टू -1/m, मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा m²x-my इक्वल टू -1, तो राइट साइड में अगर 1 बना लूँ मैं तो क्या आ जाएगा my-m²x इक्वल टू 1, मतलब m की वैल्यू dy/dx y इंटू dy/dx -x इंटू dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 1।
ऑप्शन ए मैच कर रहा है ना, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं बोल सकता हूँ मॉडरेट टू टफ, है ना, मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन था। ओके अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक डिटरमिनेंट दिया अपने को और सिग्मा लगा के पूछ दिया डिटरमिनेंट की वैल्यू। अच्छा आर इक्वल टू जीरो रखेंगे अगर, डेल्टा की जो वैल्यू पूछ रही है, डेल्टा आर आर इक्वल टू जीरो टू एम, क्या बनेगा ये? डेल्टा नॉट प्लस डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, ऐसे चलता जाएगा डेल्टा एम तक, है ना। तो डेल्टा नॉट मतलब आर इक्वल टू जीरो पुट कर देना, तो कुछ ऐसा बन जाएगा एक डिटरमिनेंट आर इक्वल टू जीरो पुट करके, है ना, ये आर इक्वल टू जीरो के लिए डिटरमिनेंट प्लस आर इक्वल टू वन के लिए एक डिटरमिनेंट बन जाएगा प्लस आर इक्वल टू टू के लिए एक डिटरमिनेंट बन जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। बाकी जो सेकेंड और थर्ड रो है वो तो सेम रहेगी, ये तो सेम रहेगी ऐसे, ठीक है। तो ऐसा होगा क्या कि अगर दो रो सेम होती है तो जो एलिमेंट अलग अलग आ रहे हैं वो ऐड हो जाएंगे रेस्पेक्टिव एलिमेंट, तो बेसिकली अपने कुछ ऐसा मिल जाएगा सिग्मा 2r-1 सिग्मा एम सी आर सिग्मा 1, और नीचे का जो एलिमेंट लिखे हैं दोनों सेकेंड और थर्ड रो के एलिमेंट वो तो सेम रहेंगे, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। आर इक्वल टू जीरो के लिए -1 आएगा, ये एक्सपेंड करेंगे अगर लिमिट तो ही रहेगी आर इक्वल टू जीरो टू एम, एक्सपेंड करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा -1 +1 +3 +5, ऐसा चलता जाएगा। और ये आर इक्वल टू जीरो टू एम एम सी जीरो प्लस एम सी वन प्लस एम सी टू टू की पावर एम बन जाएगा, है ना। और सिग्मा 1 आर इक्वल टू जीरो टू एम, आर इक्वल टू जीरो टू एम में m+1 एलिमेंट्स, है ना, और 1 कितनी बार ऐड होगा फिर m+1 टाइम्स, तो m+1 आ जाएगा यहाँ पे। और सेकेंड रो में क्या लिखा रहेगा, ये तो सेम ही रहेगा ना, m²-1 2 की पावर m m+1, और यहाँ पे जो sin²m² sin²m sin²m m+1 लिखा रहेगा। इसको देखो ध्यान से, 1 + 3 + 5 ये सारे ऑड नंबर का सम है अप टू एम टर्म्स, तो इसका सम m² आता है, तो m²-1 मिल जाएगा। तो ये देखने को मिलेगा कि फर्स्ट रो और सेकेंड रो सेम हो गई, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। प्रॉपर्टी याद होगी आपको इस डिटर्मिनाट की, अगर दो रो या फिर दो कॉलम सेम हुए तो आंसर कितना आ जाएगा उस डिटर्मिनाट का, जीरो, तो डी आंसर है, ठीक है। मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है ये, है ना, ज़्यादा टफ नहीं है, मॉडरेट बोल सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अल्फा इक्वल टू sin√3/2 + sin 1/1/3 एंड बीटा इक्वल टू cos√3/2 + cos 1/1/3 दिया हुआ है, तो अपने को अल्फा बीटा में रिलेशन बताना है। एक रिलेशन दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई, तो एक बार ऐड करके देख लेते हैं कितना आता है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा ऐड करूंगा तो राइट हैंड पे ऐड कर दिया मैंने, लेफ्ट हैंड पे सॉरी लेफ्ट हैंड पे ऐड कर दिया अल्फा बीटा, राइट हैंड पे क्या है, sin√3/2 + sin√1/3 + cos√3/2 + cos√1/3। तो जो ये √3/2 वाला है वह एंगल सेम लिखा है, तो साइन वर्स प्लस कॉस वर्स कितना हो जाता है, π/2। सिमिलरली 1/3 वाले के लिए भी क्या हो जाएगा, π/2 मतलब पाई। तो अल्फा प्लस बीटा तो पाई आ रहा है, ऑप्शन डी तो नहीं सही है, गलत है ऑप्शन। अब रिलेशन देख लेते हैं। ओके अच्छा, ये साइन वर्स √3/2 एंगल होता कितना एग्जैक्टली, कितना होता है 60 डिग्री ना, मतलब π/3। तो अल्फा इक्वल टू कुछ ऐसा लिखा हुआ है, π/3 + sin 1/1/3, और बीटा बीटा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, cos√3/2 को होता है 30 डिग्री, तो आ जाएगा π/6 + cos 1/1/3, ठीक है। अच्छा साइन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, साइन कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, और 1/3 के पास में 1/2 की वैल्यू अपने को पता है, sin√1/2 कितना होता है, sin√1/2 कितना होता है 30 डिग्री, मतलब π/6 होता है, अपने को 1/2 का पता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो 1/2 और 1/3 को कंपेयर करके पहुंच सकते हैं अपन। ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि 1/2 बड़ा होगा 1/3 से, है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो sin√1/2 भी बड़ा होगा sin√1/3 से, है ना, दोनों साइड π/3 ऐड कर दिया जाए क्योंकि अपने को अल्फा लाना है वैसे भी, और ये sin√π/sin√1/2 क्या बन जाएगा, π/6 बन जाएगा, ग्रेटर देन
पाई बाय थ्री प्लस साइन इनवर्स 1/3, ये तो बन जाएगा अल्फा, और ये क्या बन जाएगा, ये 60 लिखा है, 30 लिखा है, 90 मतलब पाई बाय टू। तो बेसिकली यहाँ पे तो आ जाएगा अल्फा और यहाँ पे हो जाएगा पाई बाय टू, मतलब अल्फा की वैल्यू पाई बाय टू से छोटी होगी। अल्फा की वैल्यू पाई बाय टू से, अब यहाँ देखते हैं, अल्फा की वैल्यू पाई बाय टू से छोटी, दोनों अल्फा और बीटा का सम पाई आना चाहिए, तो ज़रूर बीटा पाई बाय टू से बड़ा होगा, मतलब बीटा पाई बाय टू से बड़ा है, अल्फा पाई बाय टू से छोटा है, तो साफ साफ दिख रहा है कि बीटा की वैल्यू बड़ी होगी अल्फा से। ऑप्शन सी मैच कर रहा है ना, तो इसको बोल सकता हूँ मैं मॉडरेट लेवल का, मॉडरेट टू टफ। क्यों मॉडरेट टू टफ, क्योंकि ये स्टेप लाना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है किसी किसी के लिए। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रोपोजिशन ऑफ पी इक्विवेलेंस क्यू। अच्छा, जो इक्विवेलेंस का सिंबल है ना, इसका मतलब क्या होता है कि इफ पी देन क्यू एंड इफ क्यू देन पी, है ना, इफ पी देन क्यू, इफ क्यू देन पी, अगर पी होगा तो क्यू होगा और अगर क्यू होगा तो पी होगा, मतलब पी और क्यू आपस में नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन एक दूसरे के लिए, ठीक है। अच्छा, इफ पी देन क्यू जो होता है, इसको मैथमेटिकली इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इम्प्लाइज के, पी इम्प्लाइज क्यू ऐसा बोलते हैं, मतलब जो एरो ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ इफ पी देन क्यू, है ना, और एंड का जो सिंबल होता है उसको तो अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इफ क्यू देन पी मतलब क्यू इम्प्लाइज पी। तो बेसिकली डेफिनेशन ही पूछ दिया है, इक्विवेलेंस का डेफिनेशन क्या होगा। ऑप्शन बी सही, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ लॉग समथिंग इक्वल टू टू देन डी ओवर डी एक्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन निकालना है बस अपने को। क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 100, है ना, सी एन डी लगा दो, क्योंकि माइनस ऊपर दिख रहा है प्लस दिख रहा है ऊपर में, तो सी एन डी लगाओगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, बताओ क्या मिल जाएगा, ऊपर ऐड कर दे रहा हूँ मैं, तो वाई वाई कैंसिल, तो एक्स क्यूब डिवाइड बाई, नीचे सबट्रैक्ट करूँगा, है ना, तो माइनस एक्स क्यूब नीचे सबट्रैक्ट करूँगा तो क्या आ जाएगा, माइनस टू वाई, माइनस वाई क्यूब आ जाएगा, वहाँ पे भी टू आया रहेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बन जाएगा 101 डिवाइड बाई 99। तो बेसिकली एक्स वाई वाई जो बनेगा वो 101/99 का निगेटिव और पावर में 1/3। तो वाई बाई एक्स क्या हो जाएगा, ये कुछ कांस्टेंट लिखवाना ना, बेसिकली कांस्टेंट लिखा हुआ है तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, कांस्टेंट का रेसिप्रोकल, बेसिकली वाई बाई एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू कांस्टेंट एक्स, तो डी ओ बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू डी ओ बाई एक्स सिंपली के, और के क्या है वाई बाई एक्स है, तो वाई बाई एक्स डी ऑप्शन सही है ना। एक तरीका और हो सकता है, इसके बाद मैं ऐसा लिख दूं कि ये सॉल्व होकर क्या बन जाएगा, 100x, 100x³ और ये एक्स क्यूब, तो 99x³ आएगा, 99x³ और ये 100y³ प्लस वाई क्यूब प्लस 101y³ इक्वल टू 0, और ये एक होमोजीनियस इक्वेशन दिख रही है, होमोजीनियस इक्वेशन इन 3 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीन स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी जो ओरिजिन से पास कर रही होगी, तीन स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही होगी, सपोज एक लाइन, दो लाइन और ये तीन लाइन, होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब यही होता है। और सारी लाइन किस फॉर्म में होगी, वाई इक्वल टू एम एस के फॉर्म में, तो स्लोप क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, एम, और एम कितना है वाई बाई एक्स, है ना, तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे, वही आंसर आता, ठीक है, इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8 एंड बी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 7, ए सेट क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, 2, 4, 6, बी सेट क्या बन जाएगा, प्राइम नंबर लेस देन 7, 2, 3, 5। नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालेंगे, अभी
नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं कि ए इंटू बी में जितने एलिमेंट आए उन उसको 2 के पावर में चढ़ा दो, नंबर ऑफ रिलेशन आ जाता है। ए इंटू बी में कितने एलिमेंट आएंगे, 3 इसमें ए में, और 3 कितने हैं बी में, तो ए इंटू बी में 3 × 3 है मतलब 9 एलिमेंट्स आएंगे, है ना। और 9 एलिमेंट्स आएंगे तो टोटल रिलेशन कितना आ जाएगा, टोटल रिलेशन 2 raised to 9, है ना। कोई भी रिलेशन ए इंटू बी का सबसेट होगा। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर अ रियल वैल्यू एक्स द फंक्शन x माइनस बी विल अज्यूम ऑल रियल वैल्यूज प्रोवाइडेड, मतलब ये जो भी लिखा हुआ है ये ऑल रियल वैल्यूज है, मतलब इसको अगर y मान लिया जाए x माइनस ए एक्स माइनस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी, तो y क्या दिया अपने को, रियल। सिंपल सा रेंज का क्वेश्चन, ये ऊपर में क्वार्टिक नीचे लीनियर, क्वार्टिक बाई लीनियर वाले कैसे मल्टीप्लाई कर लो, क्या बन जाएगा एक्स वाई माइनस सी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स स्क्वायर, एक्स में क्वार्टिक बनाई जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, अच्छा इधर आएगा तो माइनस एक्स वाई, माइनस तो कॉमन ले रहा हूँ मैं, ए प्लस बी प्लस वाई एक्स प्लस ए बी प्लस सी वाई इक्वल टू जीरो। अच्छा ये एक्स में क्वार्टिक बन रही है ना, और एक्स अपन हमेशा रियल ही लेते हैं, एक्स का लेते हैं रियल, तो मतलब इसके रूट्स रियल हैं, रूट्स रियल हैं तो इसका डी क्या रहा होगा, जरूर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहा होगा। तो डी ग्रेटर इक्वल टू जीरो करने से क्या बन रहा है जल्दी से बता दूँ, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी प्लस वाई, माइनस भी आएगा तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव बन जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस फोर, ए कितना है 1, सी कितना है ए बी प्लस सी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ए प्लस बी को मैं एक टर्म ले रहा हूँ, चलो क्या बन जाएगा ये वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए प्लस बी वाई माइनस फोर ए बी माइनस फोर सी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अच्छा y में क्वार्टिक बन रही है क्या, यहाँ से y में क्वार्टिक बना लेते हैं, y स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी, वो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। और ये a प्लस बी वाई, और यहाँ से भी y कॉमन दिख रहा है, बेसिकली 2y कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो 2 a प्लस बी माइनस टू सी वाई कॉमन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अच्छा अब ये क्वार्टिक y में है, क्वार्टिक अगर ये y में है और ग्रेटर देन जीरो, कोई क्वार्टिक हमेशा पॉजिटिव है, कोफिशियंट ग्रेटर देन वन है, तो वो कोई क्वार्टिक हमेशा पॉजिटिव है, कब पॉसिबल हो सकता है, जब इस क्वार्टिक का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो, इक्वल टू भी लिखा ना तो इक्वल टू भी लिख चलेंगे, डी लेस देन इक्वल टू जीरो, तो डी कितना आ जाएगा इसका, बी स्क्वायर माइनस फोर ए, मतलब बी स्क्वायर ये पूरा टर्म है ना, तो क्या आ जाएगा फोर ए प्लस बी माइनस टू सी का बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी, फोर ए तो वन है, सी कितना है ए माइनस बी का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो, है ना, फोर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर टोटल, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फैक्टराइज कर लेंगे तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो प्लस वाला लिखता हूँ मैं पहले, माइनस टू सी प्लस ए माइनस बी, और अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ए प्लस बी माइनस टू सी माइनस ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू जीरो। क्या कैंसिल होगा यहाँ से बी कैंसिल, इधर ए से ए कैंसिल, है ना, टू ए माइनस टू सी टू बी माइनस टू सी लेस देन इक्वल टू जीरो। अच्छा यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को, टू कॉमन दिख रहा है, टू कॉमन दिख रहा है तो जीरो में चला गया, है ना, ए माइनस सी बी माइनस सी, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दो बार निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, सी माइनस ए सी माइनस बी, और दो बार निगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये लेस है, ग्रेटर होगा फिर लेस हो जाएगा, वापस वहीं पहुँच जाएंगे अपन। इसका मतलब क्या हुआ, सी माइनस ए सी माइनस बी लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब सी क्या हो जाएगा ए और बी के बीच में होगा, मतलब सी ए और बी के बीच में होगा, ऑप्शन डी सही है ना। तो इसको मैं
टफ में डाल सकता हूँ थोड़ा सा ना, मॉडरेट टू टफ ना, टफ साइड में ज़्यादा है ये। ओके अगले क्वेश्चन पे डाल सकते हैं। पी क्यू आर इज ए स्क्वायर, एम एन आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड पी क्यू, है ना। कॉर्नर पे देख लेते हैं जल्दी से इसको। ओके ओ पी क्यू और आर, ठीक है, एक स्क्वायर है। एम किसका मिड पॉइंट है? पी क्यू का। और एन किसका मिड पॉइंट है? क्यू आर का। अपने को क्या बताना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर एंड ए ट्राइंगल। साइड लेंथ अगर ए मान लो तो ये ए कॉमा जीरो, ए कॉमा ए और ये जीरो कॉमा ए, तो ये क्या बन जाएगा, ए कॉमा ए बाई टू, और ये क्या बन जाएगा, ए बाई टू कॉमा ए, मिड पॉइंट है। तो अपने को एरिया बताना है स्क्वायर और इस ट्राइंगल का, फिर रेशियो लेना है। तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर सिंपली। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना अपने को, क्या हो जाएगा, हाफ, सारे पॉइंट पता है अपने को, जीरो कॉमा जीरो, तो आ जाएगा जीरो जीरो वन, ए ए बाई टू वन, ए बाई टू ए वन, है ना। सॉल्व कर लो इसको, हाफ चौलीस के अलॉन्ग ओपन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, थ्री ए स्क्वायर बाई फोर। और रेशियो ले लो आप, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बाई थ्री ए स्क्वायर बाई एट, जो ऊपर जाके एट जाएगा, क्या जाएगा, एट बाई थ्री, एट बाई थ्री एरिया आंसर आ जाएगा इसका, है ना। एक दूसरा तरीका से कर सकते हैं, ये तो जनरल मेथड हो गया, है ना। सेकेंड मेथड में क्या, अगर पॉइंट डायरेक्ट मान लिया जाए तो मिड पॉइंट में चलना अपने को, तो पी को मैं टू कॉमा जीरो ले लेता हूँ, क्योंकि टू का मिड पॉइंट वन आएगा, आसान आएगा, टू कॉमा जीरो, तो ये कितना आ जाएगा, टू कॉमा टू, और ये कितना आ जाएगा, जीरो कॉमा टू, ठीक है, एम एन। तो बेसिकली अपने को स्क्वायर और ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो स्क्वायर का तो फोर एरिया आ जाएगा सिंपल, डिवाइड बाई ट्रायंगल का एरिया निकालना है अपने को, ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा, बताओ इसका एरिया वन आएगा क्या, बेस टू है, हाइट वन है, तो हाफ इंटू टू इंटू वन, वन आ जाएगा, सिमिलरली इसका वन आ जाएगा और इसका वन बाई टू एरिया आ जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या बन जाएगा, टोटल फोर है, उसमें से वन प्लस वन प्लस वन बाई टू घटा दूँ, मतलब वन प्लस वन टू, टू प्लस टू बाई टू, टू प्लस वन बाई टू फाइव बाई टू, तो क्या आ जाएगा ये, फोर डिवाइड बाई थ्री, है ना, बाई टू आएगा, बाई टू पर चला जाएगा, क्या जाएगा, एट बाई थ्री। तो डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इंटीग्रेशन साइन टू द पावर फोर एक्स डिवाइड बाई कॉस्ट टू द पावर फोर एक्स, है ना। ये तो सिंपल सा टेन दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन की पावर फोर इंटू सेक की पावर फोर एक्स डी एक्स, क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन टेन की पावर फोर, सेक को मैं सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर लिख दूँ, और एक सेक स्क्वायर को वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, और आगे में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। टेन एक्स को अगर टी ले लिया जाए तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी, तो इसकी जगह पर डी टी आ जाएगा। तो बाकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन टी की पावर फोर वन प्लस टी स्क्वायर डी टी, तो टी की पावर फाइव बाई फाइव प्लस टी की पावर सिक्स है तो सेवन बाई सेवन प्लस सी, टी की जगह पर टेन एक्स, बी ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। ओके तो ये भी इजी कैटेगरी में ही आएगा, इतना आसान क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इफ एक्स इक्वल टू थ्री इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एटी वन। ओके देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एटी वन मतलब ओरिजिन आ जाएगा सेंटर, कुछ ऐसा सर्कल बन गया। उसके बाद अपने पास सपोज ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स वाई, ठीक है, एक्स इक्वल टू थ्री कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब ये क्या है,
कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है x इक्वल टू 3। अपने को बताना है कि करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ टेंजेंट, मतलब जो भी पेयर ऑफ टेंजेंट बनेगा, ये पॉइंट से ये टेंजेंट बन जाएगा, इस पॉइंट के इस पॉइंट से टेंजेंट, सिमेट्रिसिटी से दिख रहा है, अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं कट करेगा। फिलहाल के लिए अल्फा कॉमा बीटा अगर मान लूँ मैं, तो इस अल्फा कॉमा बीटा के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की काम करेगा क्या? अच्छा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है? टी इक्वल टू 0। सर्कल की इक्वेशन क्या दी हुई है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 81, है ना। टी इक्वल टू 0 लगा दूँ मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए अल्फा कॉमा बीटा, तो क्या आ जाएगा? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू 81। इसको कंपेयर कर दूँ किससे? एक्स इक्वल टू 3 से, क्योंकि दोनों क्या है, सेम ही लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो अल्फा इक्वल टू 27 दिख जाएगा और बीटा तो 0 आएगा ही। तो यहाँ पे 27.0 पॉइंट मिल गया अपने को। अब 27.0 पॉइंट मिल गया अपने को, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो क्या बन जाएगा? एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। तो एस क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 81। एस वन क्या बन जाएगा? 27 स्क्वायर, वाई तो 0 है, माइनस 81। टी क्या बन जाएगा? 27x, वाई तो 0 है, माइनस 81। इसका स्क्वायर आ जाएगा इसका, ओके इसका स्क्वायर कर देंगे अपन, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, या तो एक तरीका और है कि अगर ये पॉइंट P है, अगर ये पॉइंट Q है, तो P और Q निकाल दिया जाए। x इक्वल टू 3 के लिए सर्कल को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? P और Q। तो x इक्वल टू 3 पुट कर दिया मैंने किस में? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 81 में। तो क्या आ जाएगा अपने पास? वाई स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 3, मतलब 9, तो 9, तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा? 72। तो वाई कितना आ जाएगा? 6√2 प्लस माइनस, मतलब पॉइंट P क्या बन जाएगा? 3.6√2, और पॉइंट Q क्या बन जाएगा? 3 माइनस 6√2। ठीक, अच्छा, पॉइंट P पे टेंजेंट TP, T इक्वल टू 0 से लिख दूंगा मैं, क्या बन जाएगा? 3x+6√2 वाई इक्वल टू 81, है ना। 3 कॉमन दिख रहा अपने को, तो x+2√2 वाई माइनस 27 इक्वल टू 0, ये टी पी आ गया, है ना। सिमिलरली टी क्यू क्या बन जाएगा? बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा x-2√2 वाई माइनस 27 इक्वल टू 0। तो जॉइंट इक्वेशन क्या होगी? टी पी इंटू टी क्यू इक्वल टू 0। तो x-27+2√2y, x-27-2√2y, कुछ ऐसा बन जाएगा ये, x-27√2 मतलब 8y2=0 बन जाएगा ये, x²-8y² + 79 + 7 29 - 54x। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो मॉडरेट क्वेश्चन था ये भी, ओके अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस द इक्वेशन साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 इक्वल टू साइन एस कॉस एक्स हैज इन पाई से 5 पाई, इंटरवल इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, इसको तो लिख सकते हैं अपन 1-2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन 2x बन जाएगा हर जगह, तो बन जाएगा 2-1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा? साइन 2x का होल स्क्वायर, और ये सिंपली साइन 2x बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे। अब साइन 2x को अगर t मान लिया जाए तो क्वार्टिक दिख जाएगी आपको। क्वार्टिक क्या दिखेगी? टी स्क्वायर प्लस t-2 इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा ये? टी क्या बन जाएगा? टी प्लस 2 और t-1 इक्वल टू 0। तो t=-2 और t=1। टी क्या था एक्चुअली? साइन 2x था, और अपने को पता है कि साइन 2x की वैल्यू -1 से तो कम हो ही नहीं सकती, और -2 बता रहा है, तो यहाँ से तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। साइन 2x की वैल्यू
वन हो सकती है ना, तो ये पॉसिबल है, साइन टू एक्स इक्वल टू वन पॉसिबल है। अच्छा, जो एक्स दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, पाई से 5 पाई लेना अपने को, तो अपने को 2x में बात करनी है ना, तो 2x देख लेते हैं कहाँ से कहाँ जाएगा। तो 2x जो एंगल बन रहा है साइन के साथ वो 2 पाई से 10 पाई तक जाएगा। ओके, अच्छा, 2x को अगर मैं थीटा ले लेता हूँ है ना, तो थीटा क्या ले रहा हूँ मैं, 2 पाई से 10 पाई ले रहा हूँ, और सॉल्यूशन चाहिए अपने को साइन थीटा इक्वल टू वन का, क्योंकि थीटा क्या है, 2x, यही सॉल्यूशन यहाँ पे आया, साइन 2x इक्वल टू वन है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू वन, थीटा क्या होना चाहिए, 2 पाई से 10 पाई। तो अपने को पता है कि साइन एक्स इक्वल टू वन केवल एक ही बार आता है अपने इंटरवल में, 0 से 2 पाई में एक बार आएगा साइन एक्स इक्वल टू वन है ना, और थीटा क्या है, 2 पाई से 10 पाई, तो 2 पाई से 4 पाई में भी एक बार आएगा है ना, तो 2 पाई से 4 पाई में एक बार, 4 पाई से 6 पाई में एक बार, 6 पाई से 8 पाई में एक बार, और 8 पाई से 10 पाई में एक बार, मतलब टोटल 4 सोल्यूशन दिखेंगे आपको, 4 सोल्यूशन है ना। तो इसको मैं मॉडरेट टू टफ को बोलूँगा ये क्वेश्चन। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ टावर सस्टेन एंगल अल्फा 2 अल्फा एंड 3 अल्फा रेस्पेक्टिवली एट पॉइंट ए बी एंड सी, ऑल लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द फुट ऑफ टावर। मतलब कुछ ऐसा केस दिया हुआ अपने को, एक टावर दिया हुआ है जो एंगल बना रहा है अल्फा 2 अल्फा और 3 अल्फा, 3 डिफरेंट पॉइंट ए बी सी पे। तो एक तो ऐसा कुछ हो जाएगा, पॉइंट ए क्या बन जाएगा अल्फा, पॉइंट बी सपोज ले लिया मैंने, तो क्या बना देगा ये, 2 अल्फा, और पॉइंट सी मैंने लिया जो क्या बनाएगा, 3 अल्फा। सपोज मैं टावर को पी क्यू नाम दे दे रहा हूँ, तो मेरे को बताओ अगर ये 2 अल्फा है और ये अल्फा है, तो एक्सटर्नल एंगल 2 अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा क्या, या सिमिलरली ये कितना होगा, ये 3 अल्फा, ये 2 अल्फा, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। अच्छा, अल्फा और अल्फा अगर मिल गया अपने को, तो ए बी इक्वल टू बी पी दिख गया, ए बी इक्वल टू बी पी दिख गया अपने को, ए बी बाई बी सी दिया हुआ है ना, ए बी बाई बी सी इक्वल टू 1 प्लस पी कॉस पी अल्फा देन द वैल्यू ऑफ पी, ए बी बाई बी सी अपने को पता है, ए बी बाई बी सी अपने को गिवन है, तो ए बी बाई बी सी मैं निकालने की कोशिश करता हूँ पहले। तो बी सी पहले देखा जाएगा, तो बी सी ट्राइंगल बी सी पी में अगर मैं साइन लगा दूँ, क्योंकि बी सी आएगा साइन में, साइन फार्मूला अगर यूज़ करूँगा तो बी सी भी आएगा और बी पी भी आएगा, और बी क्यू को मैं लास्ट में ए बी पुट कर दूंगा, तो ए बी बाई बी सी अपने पास आ जाएगा। तो यूजिंग साइन फार्मूला क्या आ जाएगा अपने पास, बी सी डिवाइड बाय उसके सामने का एंगल अल्फा साइन अल्फा इक्वल टू बी क्यू, बी क्यू नहीं सॉरी बी पी, बी पी बी पी और इसके सामने का एंगल ये आएगा, क्या आएगा, 180 माइनस 3 अल्फा। ओके, अच्छा, तो अपने पास बी पी की जगह पे क्या लिख दूं मैं, बी पी की जगह पे ए बी लिख देता हूँ, तो ए बी बन जाएगा यहाँ पे, और ए बी बन जाएगा तो बी सी डिवाइड कर दूंगा मैं, तो ए बी बाई बी सी भी आ जाएगा, तो ए बी बाई बी सी क्या आएगा, बेसिकली साइन 180 माइनस 3 अल्फा, मतलब साइन 3 अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा। ओके, साइन 3 अल्फा का फॉर्मूला पता है अपने को क्या होता है, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा, एक साइन कट जाएगा, तो अपने पास ए बी बाई बी सी जो आएगा वो कुछ 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अच्छा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ से मैं निकाल लूँ किनारे, तो उसको मैं कॉस अल्फा के टर्म में, कॉस 2 अल्फा के टर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि अपने को कॉस के टर्म में ही चाहिए, तो 3 माइनस 2 इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये 3 माइनस 2, 1 प्लस 2 कॉस 2 अल्फा, और यही अपने को गिवन है, ए बी बाई बी सी क्या गिवन है, 1 प्लस पी कॉस पी अल्फा। तो कंपेयर कर लो, कंपेयर करने से पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को, 2 मिल जाएगी, तो ये आंसर कितना जाएगा इसका, 2। ओके, तो बोल सकते हैं मॉडरेट।
मॉडरेट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपने को वाई दिया है साइन इनवर्स साइन 8, टेन इनवर्स टेन, टेन प्लस कॉस इनवर्स कॉस 12 ना। बेसिक सा आईटीएफ का क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है कितना क्लियर है आपका, साइन इनवर्स साइन 8 को क्या लिख पाएंगे आप चेक कर पा रहा है। तो बेसिकली साइन इनवर्स साइन एक्स दिखता कैसा है ये देख लेते हैं। कुछ ऐसा दिखता है क्या साइन इनवर्स साइन एक्स, ये पाई हो जाता है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, और पाई के लगभग मैं 3.14 ले लेता हूँ चलो ठीक है। तो ये 3.14, 6.28 है ना, 9.42 और ये 10.56 कुछ ऐसा मिल जाएगा लगभग वैल्यू। साइन और साइन 8, 8 कहाँ पे आएगा, इधर दिख रहा हो क्या 8, 8 यहाँ पे दिख रहा हो, तो मतलब इस लाइन पे लाई करेगा और इस लाइन की इक्वेशन जो होती है निगेटिव स्लोप है तो माइनस एक्स आएगा और जीरो हो रहा है 3 पाई पे, तो 3 पाई माइनस एक्स लिख सकता हूँ। तो 8 पे चाहिए अपने को तो एक्स की जगह 8 आ जाएगा। तो जो वाई की वैल्यू बनेगी वो क्या क्या बनेगी लिखते जाते हैं अपन, वाई की वैल्यू क्या क्या बन रही है लिखते जाते हैं। वाई इक्वल टू साइन वर्स साइन 8 मतलब 3 पाई माइनस 8 बन रही है, 3 पाई माइनस 8। टेन इनवर्स का भी देख लेते हैं, टेन इनवर्स टेन एक्स कैसा दिखता है, टेन इनवर्स टेन एक्स केवल इसमें वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी जैसी लाइन बनती है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है ना, और फिर ऐसा बन जाएगा 3π/2 तक, फिर ये बन जाएगा, तो ऐसे चलता जाता है। तो ये होता है पाई, ये होता है 2π, अपने को क्या चाहिए 10, 10 मतलब 4π वाले पार्ट पर जाना है अपने को, 4π के जस्ट पहले, तो ये हो जाएगा 3π और ऐसा हो जाएगा ये 4π, 4π मतलब 10.56 मतलब 10 का यहाँ पे होगा और इस लाइन पे होगा, इसका मतलब ये लाइन क्या बन जाएगी अपने पास, स्लोप पॉजिटिव है ना, तो x माइनस 4π लाइन बनेगी और x के जगह पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, माफ़ कीजिएगा ये 4π 12.56 आएगा ना, 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12.56। तो 10 कहाँ होगा, 10 कहीं 9 के जस्ट आगे हो, कहीं यहाँ पे 10 होगा ना, फिर 10 तो कहीं यहाँ पे होगा ना, फिर 3π के जस्ट आगे 10 कहीं यहाँ पे होगा ओके। तो ये लाइन क्या आ जाएगी, एक्स माइनस 3π लाइन आ रही है, तो एक्स जगह पर 10 आ जाएगा, तो 10 माइनस 3π आ जाएगा, माइनस एक पहले से लगा हुआ है, तो माइनस 10 माइनस 3π प्लस कॉस इनवर्स कॉस 12, कॉस 12 का कैसा होता है, कॉस इनवर्स का कैसा होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है सिंपल, 0 से 2π में बनता है, फिर 2π से 4π में बनता है। 12 चाहिए अपने को, तो 4π के अलावा क्या होता है 12.56, तो 12 कहीं यहाँ पे होगा, इस लाइन पे कहीं होगा और इस लाइन की क्वेश्चन निगेटिव स्लोप है, तो 4π माइनस 12 बन रहा होगा है ना, 4π माइनस x बन रहा होगा और x की वैल्यू 12 ले लूँगा मैं, तो 4π माइनस 12 आ जाएगा। तो ये तो y की वैल्यू आ जाएगी ठीक है, कितनी आ जाएगी 3π माइनस माइनस प्लस 3π 10π, ये क्या बन जाएगा माइनस 18 माइनस 12 माइनस 30, तो वाई को लिए आ जाएगी। अपने को क्या चाहिए वाई माइनस सेक इनवर्स, वाई माइनस सेक इनवर्स सेक 9, कॉट इनवर्स कॉट 2, कॉट एक्स इनवर्स, अच्छा तो सेक और कॉस का भी देखना पड़ेगा, तो सेक का तो सिंपली इसी जैसा होता है, सेक इनवर्स सेक एक्स का ऐसे ही ग्राफ होता है, बस ये वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती है ना, बीच में पाई बाई टू 3π/2 पे नहीं लेती। अपने को क्या चाहिए सेक इनवर्स सेक 9 चाहिए ना, सेक 9, 3π की वैल्यू 9.42 होती है, 3π का ये रहा 9.42, तो 9 कहीं यहाँ पे आएगा ठीक है, तो इस लाइन पे, और ये लाइन क्या है पॉजिटिव स्लोप के साथ है, तो x माइनस 2π और इसकी वैल्यू 9 ले लूँगा मैं, तो 9 माइनस 2π आएगा। तो बेसिकली अपने को आंसर जो चाहिए a अल्फा प्लस बीटा जो सिंप्लीफाई होके आ रहा है, a पाई प्लस b, a पाई प्लस b क्या आ रहा है y माइनस समथिंग, तो y क्या है 10π माइनस 30 माइनस इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू 9 माइनस 2π प्लस कॉट इनवर्स कॉट 6, कॉट इनवर्स का देख लेते हैं ना, कॉट इनवर्स कॉट एक्स
जीरो टू पाई में जाता है और वाई इक्वल टू एक्स लाइन के पैरेलल ही बनते जाता है, कुछ ऐसा बनते जाता है ये पाई, है ना, टू पाई। अपने क्या चाहिए, कॉट माइनस कॉट सिक्स ना, टू पाई क्या होता है 6.28, सिक्स का यहाँ पे आएगा मतलब ये वाली लाइन, और ये क्या हो जाएगा स्लोप पॉजिटिव एक्स माइनस, और पाई पे जीरो होता है एक्स माइनस पाई, तो सिक्स माइनस पाई आएगा तो प्लस सिक्स माइनस पाई। ओके, कॉसेक सेवन, कॉसेक इनवर्स का ग्राफ तो साइन इनवर्स जैसा ही होता है, बस ये वैल्यूज नहीं लेता वो, सेवन चाहिए अपने को, तो सेवन कहीं टू पाई का जस्ट आगे आएगा, और लाइन की इक्वेशन क्या होगी एक्स माइनस टू पाई, एक्स की वैल्यू सेवन, तो सेवन माइनस टू पाई आ जाएगा, तो माइनस, ये माइनस प्लस लगा वन, तो माइनस सेवन माइनस टू पाई। सॉल्व कर लेते हैं कितना आ रहा है, ये 10 पाई माइनस 30 माइनस 9 प्लस 2 पाई प्लस 6 माइनस पाई माइनस 7 प्लस 2 पाई। तो ए पाई प्लस बी कितना आ जाएगा, 10 2 माइनस 1 2 13 पाई माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 1 माइनस 10 माइनस 30 माइनस 40। तो ए कितना आ जाएगा कंपेयर करने से 30, बी आ जाएगा माइनस 40, तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा 13 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस 40, 53। आंसर आ जाएगा आपका 53, है ना। तो इसको मैं बोल सकता हूँ मॉडरेट टू टफ बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ग्राफिकल यूज था, है ना। एग्जैक्ट वैल्यू अपने को पता करनी थी कहाँ पे लाई करेगा, उसके हिसाब से लाइन की क्वेश्चन देखनी थी अपने को, ठीक है। बट बेसिक ही क्वेश्चन था ये ITF का। अगला क्वेश्चन, लेट अल्फा बीटा बी टू नंबर्स अल्फा लेस देन बीटा, जीपी ऑफ नंबर एक्स इज स्मॉलर, है ना। तो कुछ जीमेट्रिक मीन का रिलेशन दिया हुआ है और अरिथमेटिक मीन का सेम रिलेशन दिया हुआ है, कि अरिथमेटिक मीन ऑफ द सेम नंबर, ज्योमेट्रिक मीन क्या बनेगा रूट अल्फा बीटा, और अरिथमेटिक मीन क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ द सेम नंबर्स इज स्मॉलर बाई 24 देन द लार्जर नंबर, मतलब बीटा माइनस 24। तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा अपने को, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टू बीटा माइनस 48। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू माइनस 48, मतलब बीटा माइनस अल्फा क्या आ जाएगा 48। क्या पूछा है, देन द वैल्यू ऑफ मॉड बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा तो यहीं से 48 दिख रहा है ना, तो 48 आंसर आ जाएगा। ये डेटा किसी काम का ही नहीं है, ज्योमेट्रिक मीन वाला डेटा कोई काम का नहीं आया, है ना। तो ईजी क्वेश्चन था ये, दूसरा डेटा देकर बहुत ही आसान बना दिया क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर इज के, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू के दिए और कॉन्टिन्यूअस बोला है, तो एफ ऑफ जीरो मतलब जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना। तो लिमिट निकाल लेता हूँ मैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन माइनस कॉस, वन माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स की पावर में 4। अच्छा कॉस क्या, जो लिखा हुआ है जीरो रखने पे जीरो को टेंड कर रहा है क्या, जीरो कॉस जीरो वन होता है, वन माइनस वन जीरो, इसका मतलब अगर वन माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर से जो जीरो को टेंड कर रहा है अगर मैं मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दूँ तो काम बन जाएगा कुछ अपना। काम क्या बनेगा कि ये अब लिमिट जो बन जाएगी वन बाई टू स्टैंडर्ड फॉर्म से, है ना। एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है वन बाई टू, तो ये बन जाएगा वन बाई टू। अच्छा कुछ ऐसा लिखा है क्या, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये सिंपल सा टर्म तो आ जाएगा यहाँ पे, पूरा बन जाएगा ये, है ना। आगे में क्या लिखा है, वन माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को एक साथ क्लब कर दिया, तो कुछ ऐसा लिखा है। वापस स्टैंडर्ड लिमिट बन गई इसका वन बाई टू, और इसका आंसर वन बाई टू पहले से ही आ रहा था, तो वन बाई टू इंटू वन बाई टू का होल स्क्वायर मतलब वन बाई फोर मतलब 1/8 आ गया। तो जो एफ ऑफ जीरो बनेगा वो 1/8 बनेगा, ठीक है। तो अपने को बताना है 10k की वैल्यू, तो बेसिकली k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8, तो 10k क्या आ जाएगा 10/8, 10/8 बोले तो 10/8 बोले तो 5/4 मतलब 1.25, है ना।
तो ये भी मॉडरेट क्वेश्चन बोल सकते हैं, लिमिट का एक मॉडरेट क्वेश्चन आ गया था अपने को। ओके, तो ये आपका डिस्कशन था NTA अभ्यास ऐप का, पेपर 3 के मैथमेटिक्स सेक्शन का ये डिस्कशन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।